ஊழல் செய்யும் இந்தியா கூட்டணி குடும்ப அரசியல் செய்யும் இந்தியா கூட்டணி நாட்டை விட்டு வெளியேறினால் மட்டுமே நம் தேசம் காப்பாற்றப்படும் இந்திரா இந்தியா இந்தியா தான் இந்திரா என முன்பு கூறினார்கள் மக்கள் அவர்களை வேரோடு பிடுங்கி எறிந்தனர் இப்போது எங்கள் கூட்டணிதான் இந்தியா என்கிறார்கள் அவர்களது இந்தியா பெயர் தேசபக்தியை காட்டுவதற்கு இல்லை காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் முன்பு பயங்கரவாதத்தின் முன் சரணடைந்தன அந்த கரையை போக்குவதற்காக இப்போது பெயரை மாற்றிக்கொண்டு வேஷம் போடுகிறார்கள் मुंब तूकी एरीद मकल मीडूम अंद कूटी तूक एरीवार प्रधम मोदी आई एन डी आई ए के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं यूपीए के कारनामों को छुपाना चाहता हैं अगर इनको वाकई इंडिया की परवाह होती तो क्या विदेश में जाकर के विदेशियों से भारत में दखल देने के लिए बात करते क्या अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते क्या इनको इंडिया की चिंता होती तो क्या ये गलवान में भारत की सेना के शौर्य को कटघरे में रखते क्या साथियों ये वही चेहरे हैं जो आतंकी हमला होने पर दुनिया के आगे रोते थे कुछ नहीं करते थे इन्हें देश के सुरक्षा बलों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है ये वही चेहरे हैं जिन्होंने हमारे सैनिकों का हक मारा है दशकों तक हमारे सैनिक वन रैंक वन पैशन मांगते रहे लेकिन इन्होंने नहीं दिया जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को गले लगाते हैं जो लोग भारत में भाषा के आधार पर बंटवारा करते हैं जो लोग विदेशों से संबंध भी इस आधार पर बनाते हैं कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए जिनके लिए राष्ट्रहित नहीं बल्कि वोट बैंक सर्वोपरि है वे लोग आज जब आईएनडीआईए की बात करते हैं तो दिखावा लगता है छलावा लगता है झूठ लगता है भाई और बहनों इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है एक बार इन्होंने नारा दिया था इंदिरा इज इंडिया इंडिया इज इंदिरा और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था चुन चुन करके साफ कर दिया था उखाड़ फेंका था उन लोगों को अहंकार ने अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है ये सुधरने को तैयार नहीं है ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया इंडिया इज यूपीए इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था साथियों हम जानते हैं आजादी का आंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था यह नारा देश के लोगों की प्रेरणा बन गया था और आजादी के आंदोलन में इस नारे ने ऊर्जा भर दी थी नौजवान स्कूल कॉलेज में अपनी किताबें छोड़ करके महात्मा गांधी के आदेश पर आजादी के लिए चल पड़े थे जेलें भर दी थी अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ गई थी वो दिन थे और तब महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था आज फिर से देश के कल्याण के लिए देश के उज्जवल भविष्य के लिए उस नारे की फिर से जरूरत है दोस्त। इस नारे को फिर से गांव गांव घर घर पहुंचाने की जरूरत है वो क्या नारा था महात्मा गांधी ने नारा दिया था ट्वीट इंडिया अंग्रेजों इंडिया छोड़ो अंग्रेजों इंडिया छोड़ो और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था वैसे ही आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। जैसे गांधी जी ने ट्वीट इंडिया का मंत्र दिया था वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार ट्वीट इंडिया भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया परिवारवाद ट्वीट इंडिया परिवारवाद छोड़ो इंडिया तुष्टीकरण ट्वीट इंडिया तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया ट्वीट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा